चैनल ट्रैवल माई कश्मीर में आपका स्वागत है। आइए लेटेस्ट टूरिस्ट अपडेट्स के साथ शुरुआत करें। चूंकि नए साल की भीड़ कम हो गई है, गोंडोला टिकट अवेलेबल है। हालांकि आपको कंफर्म टिकट पाने के लिए कम से कम 7 दिन पहले टिकट बुक करना होगा, और यदि आपकी डेट्स अभी तक खुली नहीं है तो आप कंफर्म टिकट पाने के लिए बाद की तारीखों के लिए टिकट पहले से बुक करके रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे अगले आने वाले टूरिस्ट को मदद मिल सकती है। श्रीनगर में कल रात -6 डिग्री तापमान के साथ सीजन की सबसे ठंडी रात थी और डल झील और निगीन लेक के कई हिस्से जम गए थे। हालात और टेम्परेचर सामान्य होने में दोपहर तक का समय लग जाता है। जैसे जैसे तापमान कम हो रहा है, सुबह सुबह सड़कें जमी हुई बर्फ के कारण अत्यधिक फिसलन भरी हो जाती है, इसलिए सुबह के समय सावधानी से और धीरे धीरे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर से कहें। फिलहाल आपको गुलमर्ग फेज 2 और सोनमर्ग ग्लेशियर में बर्फ मिल सकती है। दूधपथरी मेन गुलमर्ग मार्केट और पहलगाम में अभी तक बर्फ नहीं गिरी है। आखिरी बर्फ जो 1 महीने पहले गिरी थी वो पहले ही पिघल चुकी है। ट्यूलिप गार्डन जो श्रीनगर का सबसे इम्पोर्टेंट आकर्षण है, इस वसंत 2024 में अधिक किस्मों के साथ और अधिक सुंदर होने के लिए तैयार है। पहले ट्यूलिप की 68 वैरायटीज थी, जिन्हें अब कुल 1.7 मिलियन फूलों के बल्बों के साथ 73 किस्मों तक बढ़ा दिया गया है। श्रीनगर जम्मू और श्रीनगर लेह हाईवे दोनों तरफ खुले हैं। हालांकि रोड खराब है और ट्रैफिक में स्लो मूवमेंट है। सेफ और स्लो स्पीड से गाड़ी चलाने की रिक्वेस्ट की जाती है। टूरिस्ट व्हीकल्स के लिए नाइट ट्रैवल रिकमेंडेड नहीं है। ऐसे कई टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स और एजेंसियां हैं जो कैब सर्विस के लिए बेहद सस्ती ऑफर्स देते हैं। हालांकि वे बाकी अमाउंट रास्ते में अधिक यात्रियों को शामिल करके या अन्य ग्राहकों के सामान को लोड करके या घोड़ों के लिए सामान ले जाकर वसूल करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखते हैं। सावधान रहें और ट्रैवल माई कश्मीर जैसी रिप्यूटेड एजेंसियों की तलाश करें। चूँकि इस साल 26 जनवरी एक लॉन्ग वीकेंड के रूप में आ रहा है, कई कपल्स और फैमिलीज जो नए साल पर ट्रिप नहीं कर पाए, उन्होंने एक छोटी कश्मीर ट्रिप की योजना बनाई है। अगर आपका भी प्लान है तो पहले से ही अपने होटल और सर्विसेज को कंफर्म करें। मौसम ठंडा है और दिन के समय भी तापमान बहुत ठंडा रहता है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म करने की व्यवस्था जरूरी है। अगले सप्ताह तक बर्फबारी की कोई उम्मीद नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलते हैं। बाय।